हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शॉर्ट फॉर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने गूगल एड्स को अपने वेबसाइट पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड से। गाइस, मेरे एक यूजर ने पूछा था कि मेरे होम पेज पे एड्स शो हो रहा है और मेरे पोस्ट पे एड्स नहीं शो हो रहे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसके मैंने ऑलरेडी 4-5 वीडियो बना के रखे हैं गूगल एडसेंस के प्लेलिस्ट में, उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं। चलो फिर ज्यादा देर ना करते हुए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। अरे देखिए, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया और मेरा यहाँ पे गूगल एडसेंस का जो डैशबोर्ड है ये ओपन है। ठीक है, तो आप किस तरह से अपने ऐड को मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा ये वेबसाइट है, मैं इसको एडिट करता हूँ एड्स के अंदर में जाके। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया है गूगल ने, तो उसको कैसे मेंटेन करना है वो दिखाता हूँ मैं आपको। क्योंकि यहाँ पे लोड हो रहा है कि पूरे वेबसाइट पे कहाँ कहाँ पे ऐड है वो सब कुछ वो डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके दिखाएगा कौन कौन से ऐड कहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए, हमारा ये वेबसाइट लोड हो चुका है। सबसे पहले ये जो हमारा होम पेज है, होम पेज पे लेके जाता है और यहाँ पे शो करता है कौन कौन से ऐड कहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 एड्स लगे हुए हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं ऐसे ही सिमिलरली मैं इसको अगर डेस्कटॉप पे करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे भी दिखाएगा 7 ऐड दिख रहे हैं डेस्कटॉप के लिए और 9 ऐड मोबाइल के लिए। तो आप चाहते हैं कि वो 9 ऐड ना दिखे, थोड़ा सा आप कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वो कैसे करना वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको मोबाइल का ये है, मोबाइल पे जाते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सा ऐड बहुत ही अनोइंग है, उसको हमको बंद करना है। जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं बंद करूंगा। अभी आपको मैं बंद करके दिखाता हूँ कौन सा ऐड में मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे ऑटो ऐड एग्जांपल मल्टीप्लेक्स ऐड है। ठीक है, लास्ट में है ये पोस्ट के एकदम, तो मैं चाहता हूँ ये नहीं दिखे। जहां पे क्लिक ही नहीं होगा वहां पे ऐड लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं इसको डिसेबल करूंगा। देखिए यहाँ पे ऐड नाउ एग्जीक्यूटेड फ्रॉम दिस एरिया, मतलब यहाँ से जो ऐड था वो निकल चुका है। और भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है इस एरिया में भी एड शो हो सकता है, तो आप यहाँ पे इसको भी निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए ये निकल गया है। इस तरह से आप जिस एरिया में आपको एड नहीं चाहिए आप मैन्युअली इसको हटा सकते हैं। ये सब एरिया में एड शो हो सकता है, इसके लिए यहां से हटा देना है। तो इस तरह से आपने मोबाइल के लिए कर लिया। सिमिलरली आप यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करके वहां पे भी सिलेक्ट कर सकते कहाँ पे ऐड नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि मेरा को ये जो टॉप है, टॉप के ऊपर तो ऐड दिखना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जो ऐड शो हो हमारे हेडर के जस्ट नीचे हो ना कि ऊपर। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप के लिए भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। अभी सपोज मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं और एक पेज ऐसा है जिसमें बहुत सारे एड शो हो रहे हैं, मुझे चाहिए एक ही ऐड, तो कैसे करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे गर्वट केस है इसको मैं बंद करता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये जो पेज है, इस पेज में देखिए यहाँ पे एक ऐड शो हो रहा है। ठीक है, वापस एक ऐड यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये ऑटो ऐड है। गाइस ये एग्जिस्टिंग एड्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने एड इंसर्टर प्लगइन यूज किया है और यहाँ पे बोला है कि जितने भी पेजेस हैं वो मेरे उसके हेडर पे ये एड्स शो होने चाहिए, इसकी वजह से यहाँ पे एग्जिस्टिंग एड्स बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये क्या बोल रहा है, ऑटो ऐड, मतलब ये जो ऐड है ये ऑटो, मतलब गूगल के द्वारा डायरेक्टली दिखाया जा रहा है, और ये ऐड है जो मैंने मैन्युअली पेस्ट कराया है। तो देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऐड बोल रहा है और यहाँ पे गूगल ऐड, सब कुछ आपके पास बहुत सारे यहाँ पे एड्स हैं, तो आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर पेज पे जाके उस एरिया अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से और जगह पे भी देखिए ऐड दिखाने का जगह है, आप वहां से भी उसको अपलोड करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, तो आप यहाँ वहां पे भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नहीं चाहिए, अगर सपोज यहाँ पे भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर लोगे। फुटर के नीचे कौन दिखाता है ऐड यार। नॉर्मली एक ब्लॉगिंग वेबसाइट में पेजेस लोग कम बनाते हैं, कोई भी चीज करने के लिए वो लोग पोस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पेजेस में आप जाके इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। और पोस्ट के लिए आपके सेंटर थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि हर पोस्ट में जाके आप ऐड को फिक्स करते या फिर अच्छा करते बैठेंगे नहीं, इसके लिए आप सेंटर भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई और आपको प्लगइन पता है तो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं एरियाज को और थोड़ा सा आपका वेबसाइट नीट एंड क्लीन दिखेगा। नेक्स्ट वाले स्टेप पे आते हैं, ये तो हमारा हो गया कि हमारे एड्स कहाँ दिखाने हैं कहाँ नहीं दिखाने और एक्स्ट्रा एड को किस तरह से रिमूव करते हैं ये देख लिया। अभी हम जाएंगे ओवरले फॉर्मेट में। ठीक है, ओवरले फॉर्मेट में क्या होता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसके ऊपर आपका जो एड है वो ओवर करेगा, मतलब ओवर मतलब कैसे उसके ऊपर ऐसा प्लॉट होता रहेगा, तो उसको कैसे मेंटेन करना है ये ओवरले फॉर्मेट में आता है। अभी जैसे कि एंकर एड, अभी मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं एंकर एड क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एंकर एड जैसे मैंने एक्टिवेट किया तो यहाँ पे ये मेरे वेबसाइट के बॉटम में ये प्लॉट होने लगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा वो बंद कर सकता है यूजर और चालू कर सकता है, ये एड यहाँ पे ऐसे ही शो करता रहेगा। ठीक है, अगर आपने इसको बंद कर दिया तो निकल जाएगा। तो ज्यादातर जो रेवेन्यू होता है अगर कोई डाउनलोडिंग वेबसाइट है या फिर कोई ऐसे वेबसाइट है जहां पे इमेज डाउनलोड, मूवीज डाउनलोड और सॉन्ग डाउनलोड का ऑप्शन है, वहां पे ऐसे एंकर एड बहुत लगाते हैं। उसका रीजन है कि वो डाउनलोड के लिए जब भी क्लिक करते हैं तो इस एड पे भी क्लिक होता है बहुत सारा, इसके वजह से लगाते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल में देखिए यहाँ पे टॉप पे लिखते हैं एंकर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एड शो होगा, तो एंकर ऐसा काम करता है। नेक्स्ट है साइड रेल। जो साइड रेल क्या होता है आपको मैं बता दूं एक एग्जांपल लेके, जैसे कि मैं यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर टूल है इस पे मैं करके दिखाता हूँ। साइड रेल का काम क्या है, जैसे कि ये मेरा एक टूलिंग वेबसाइट है, यहाँ पे मेरा एक टूल है और साइड में जगह पड़ा हुआ है 350 पिक्सल, सपोज कि उससे ज्यादा जगह पड़ा है तो गूगल ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि वहां पे जगह खाली है। अगर ये साइड रेल एड आपका एक्टिवेट रहेगा तो क्या करेगा, दोनों साइड में एड ओवरले करेगा, मतलब दोनों साइड में एड प्लॉट होता रहेगा। जब भी कोई वेबसाइट पे कोई विजिट करेगा तो एड वो यहाँ पे जहां पे भी जगह खाली रहेगा साइड बाय साइड वहां पे दिखाने लगेगा, चाहे वो ब्लॉगिंग हो या फिर चाहे कोई भी टूल वेबसाइट है वो हर जगह पे भी काम करेगा। लेकिन जगह प्रॉपरली होना चाहिए, उस जगह पे कुछ भी ब्लॉक या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, सिंपल जगह खाली होना चाहिए, गूगल ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके वहां पे ये एड डाल देगा। तो नेक्स्ट है वेरिएंट एड। वेरिएंट एड का काम क्या होता है, जैसे भी कोई अभी किसी भी चीज पे क्लिक करता है तो उस केस में क्या होता है कि ये एड शो होता है, मतलब कैसा डायरेक्टली एड पॉपअप होता है। यहाँ पे देखिए एड्स पॉपअप हो गए तो यूजर ऐसा क्या करता है कट करके आगे जाता है। वेरिएंट जो एड है उससे बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू मिलता है अपने को, क्योंकि यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे जब स्विच होता है तो उसके बीच में ये एड शो होता है और डायरेक्टली ऐसा पॉपअप होता है और गलती से वो क्लिक होता है तो भी आपको उसका रेवेन्यू मिलता है। तो ये वेरिएंट एड हमेशा एक्टिवेट ही रखना, इसका बहुत ही फायदा है आपको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वेरिएंट एड में फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, 10 मिनट, 5 मिनट, आप जो भी सेट करेंगे ना उस हिसाब से काम करेगा। तो आप जितना कम रखेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही ज्यादा शो करेगा। और दूसरा, ओवरले एड ऑन वाइडर स्क्रीन, मतलब आपका जो ओवरले जो है वाइडर स्क्रीन में 1000 पिक्सल से बड़ा है तो उसको टर्न ऑफ करना है, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, वो अप टू यू है। देखिए अभी हम चलते हैं इन पेज फॉर्मेट। इन पेज फॉर्मेट का मीनिंग ये होता है कि जो भी आपका पेज है वो कौन कौन से एड वहां पे शो होना चाहिए और कैसे होने चाहिए वो सारी चीजें। जैसे कि यहाँ पे बैनर एड मतलब ये एड होता है जो मतलब वाइडर होता है काफी और पूरे फुल स्क्रीन में रहता है, जैसे कि ये देखिए। और मल्टीप्लेक्स एड किसी किसी पोस्ट में किसी इसमें मल्टीप्लेक्स भी एड देखने को मिल जाते हैं, आप उसको मैनुअली भी लगा सकते हैं। मल्टीप्लेक्स एड जो होता है बेसिकली किसी प्रोडक्ट या किसी चीज को दिखाने के लिए वो लोग ने इसको बनाया है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक साथ में दिखा के आपके इस ब्लॉग पोस्ट में शो कराता है गूगल, तो उस तरह का ऐड है, आप इसको मैनुअली भी लगा सकते हैं। और रिलेटेड सर्च मतलब कैसा कि आपने कुछ सर्च किया है, आप किसी की वेबसाइट पे भी सर्च किया है, जैसे कि यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन है, तो जब सर्च करेंगे ना तो उसके लिए भी एक उस रिलेटेड कंटेंट के लिए भी ऐड है, यहाँ पे गूगल ने ऐसा करके रखा है तो उस रिलेटेड भी ऐड भी आते हैं। अभी यहाँ पे ऐड लोड क्या है, आपके वेबसाइट पे कितना ऐड लोड होना चाहिए वो भी यहाँ पे ऑप्शन है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इस 50% से ज्यादा कर रहा हूं,
तो मेरे वेबसाइट को उतना ही फ्रिक्वेंट एड शो कराएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस एक्सप्लोर एरिया जो है ये तो आपको पता ही है क्यों आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसे कैसे निकालना है, तो एक्सक्लूड एरिया होता है। और एक्सक्लूड पेजेस, जैसे कि आप चाहते हैं कि किसी पेज पे, किसी एक पर्टिकुलर पेज पे कोई एड शो ही ना हो, या फिर किसी ग्रुप ऑफ पेज पे एड शो ना हो, उसके लिए है। जैसे कि यहाँ पे एक्सक्लूड एरिया, जैसे मैंने क्लिक किया दिस पेज ओनली, मतलब ऐसा किसी पेज का आपको यहाँ पे लिंक डालना है, सिर्फ वही पेज के लिए वो बताएगा कि उसमें एड नहीं शो होगा। और दूसरा ऑल पेज अंडर दैट सेक्शन, मतलब ऐसा कि आपने किसी कैटेगरी को ही यहाँ पे डाल दिया, तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी पेजेस हैं, जितने भी पोस्ट हैं, वो उसमें एड शो नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई पेड सर्विसेज चालू रखा है या फिर कुछ है, तो वहां पे किसी एक पर्टिकुलर पेज पे एड नहीं शो कराना चाहते हैं, तो वहां पे आप बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो मैं यहां से बंद कर देता हूं, मुझे नहीं चाहिए किसी भी पेज पे। गाइज इतना करने के बाद यहाँ पे अप्लाई टू साइट करना है, दैट्स इट गाइज। इतना ही आपको आपके वेबसाइट पे करना है, उसके बाद आपके एड आपके कंट्रोल में रहेंगे। गाइज कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आपको गूगल एडसेंस से रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके गूगल एडसेंस के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और आप अपने एड्स को और भी बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।